हाय गाइस, आप रास्ते पे कार लेके निकलो लेकिन आपके कार में कोई स्क्रैच नहीं लगेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा ये मतलब नहीं है कि आप ही की गलती हो, आप ही ने किसी को ठोक मारा है। कभी कभी होता है कि दूसरा बंदा भी आपको घिस के चला जा सकता है, और ऐसा ही एक सीन मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ बाद में उतर के क्या हुआ है। तो सीन ये था कि अपनी कार ऐसे रोड पे पार्क थी, और हमारे सामने एक दूसरा ओला या उबर कोई भी बंदा था, कैब, और वो इस तरह से मेरे सामने पार्किंग करने आया था। आते वक्त उसने मेरा सामने का वो पोर्शन घिस दिया, तो कुछ समझने से पहले ही वो वहाँ से निकल गया। तो फिर मैंने जब उतर के देखा कि कितना डैमेज हुआ, मैं आपको डैमेज दिखाता हूँ कितना हुआ, किस लेवल का हुआ। ये आप देख सकते हो, इस लेवल का डैमेज हुआ है। आप देख सकते हो ये स्क्रैचेस। एक बात तो संतुष्टि हुई कि मेरा जो कार का पेंट है वो नहीं उठा, बल्कि उसका पेंट आके इधर लग गया, तो ये एक चलो अच्छी बात हुई। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे स्क्रैचेस, आप देख लो कैमरे पे जूम करके, इस तरह के स्क्रैचेस को आप कैसे घर बैठे हटा सकते हो। आपको किसी भी शोरूम वगैरह या फिर सर्विस सेंटर में जाके 1000-1500 पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले मैं कॉम्पोनेंट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दो ऐसे कपड़े चाहिए। अगर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कार में स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले इसको हम भिगोएंगे और स्क्रैच वाले जगह को अच्छे से साफ करेंगे, ताकि कोई धूल मिट्टी जो भी है हट जाए। देख लो, हमने इसको भिगो लिया। अब हम इसको अच्छे से घिस के साफ करेंगे। इस तरह से मैंने इसको कर दिया है साफ। अब आप देख सकते हो कि 90% जो डैमेज था, जो स्क्रैच के निशान थे, वो तो पूरे के पूरे चले गए। लेकिन जैसे ये वाला हो गया, कैमरे में दिख रहा है क्या, ये अब भी रह जाते हैं। तो इनको कैसे साफ करें ये मैं आपको अब दिखाऊंगा। देखो, इस कपड़े का काम ख़त्म हो गया, इसको भिगो के वो साफ करना था। अब है इससे हम क्या करेंगे, मैं आपको एक कंपोनेंट दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये वैक्स पॉल का रबिंग कंपाउंड। आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान में जाओ या फिर कार एक्सेसरी शोरूम में जाओ, कहीं भी जाओ, आप उनको बोलना रबिंग कंपाउंड दो या फिर रॉबिन पॉलिश दो, कुछ भी बोलो वो समझ जाएंगे। इसकी कीमत मैक्सिमम 70 रुपये होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इससे आप उसको स्क्रैच को साफ़ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो भाई, इस तरह से हमने इसके ढक्कन को खोल लिया, और ऐसी इसकी कुछ आपको कंपाउंड मिलते हैं अंदर से, और यहाँ पर भी लगा है, ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। हल्का सा इस तरह से आपको लेना है इसको, और जो अफेक्टेड एरिया है इसमें आपको इसको इस तरह से अप्लाई करना है। और थोड़ा लगेगा, आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा और, इतना काफ़ी है। इस तरह से पूरे अफेक्टेड एरिया को आपको इससे भर देना है, इस तरह से। ये हो गया। अब ये दूसरा जो सूखा कपड़ा है, इससे आपको इसको घिसना है जोर से, थोड़ा ताकत लगा के घिसना है। दिखाता हूँ, देख लो इस तरह से ये काम करता है। और भी थोड़ा इस लगेगा मेरे हिसाब से, एक और कोटिंग, फिर शायद ये पूरा निकल जाए। एक और कोटिंग हम इस पे मार रहे हैं ताकि पूरा ये निकल जाए। दोबारा कपड़े से हम इसको रगड़ेंगे। प्रेशर आपको मीडियम देना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ता है मीडियम क्या। तो इस तरह से हम इसको
घिसेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा अपना डैमेज निकल चुका है, थोड़ा हल्का सा बाकी है ये दो निशान, लेकिन उतना भी कुछ समझ में दूर से नहीं आ रहा होगा। अब देखेंगे तो अपना जितना भी डैमेज था हमने घर बैठे इसको कवर अप कर लिया। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो में कि अगर आपके कार में हेयरलाइन स्क्रैचेस लगते हैं या फिर दूसरे किसी चीज़ का पेंट लग जाता है तो आप किस तरह से घर बैठे बिना पैसा खर्च करें आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन हिट द लाइक बटन, और ऐसी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए।